हम दीघा में आ गए हैं। दीघा जहाँ से सोनपुर के लिए जो रास्ता है, जो सोनपुर रास्ता जाता है, हाजीपुर जाता है, जो दीघा सोनपुर ब्रिज पे जाता है, वहाँ पर है। मेरे बाईं ओर दीघा ब्रिज हॉल्ट है और दाईं ओर जो दीघा एम से एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है वो है। यहाँ पे आने का उद्देश्य दो है। पहला तो ये कि दीघा ब्रिज हॉल्ट से जो गाड़ियाँ चलती है, जो हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और जहाँ जहाँ के लिए जाती है, उसके बारे में आपको जानकारी देना। दूसरा ये कि दीघा ब्रिज हॉल्ट के ऊपर से एलिवेटेड कॉरिडोर कैसा लगता है और कैसा दिखता है, कितना कुछ ऊपर में काम हुआ है वो दिखाना है। तो सबसे पहले हम आपको ऊपर चलते हैं, दीघा ब्रिज हॉल्ट के ऊपर चलते हैं और वहाँ से आपको दिखाते हैं कि एलिवेटेड कॉरिडोर का जो काम हुआ है वो कितना हुआ है। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं। ये एंट्रेंस है दीघा ब्रिज हॉल्ट का, सीढ़ियाँ बनी हुई है। यहाँ पे ये जो जगह है दीघा, भविष्य में काफ़ी हॉट प्लेस होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कई सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कई सारी जगहों पे चल रहा है काम। यहाँ पे ये आपका दीघा ब्रिज हॉल्ट का बोर्ड है। इधर सोनपुर, मुजफ्फरपुर जाना हो तो इस लाइन से, अभी वो सिंगल लाइन है, डबल लाइन नहीं हुआ है। और इधर स्टेशन है, ये पूर्व मध्य रेल दानापुर मंडल है इसका। और श्री राम कृपाल यादव, माननीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री भारत सरकार के कार्यक्रम द्वारा दीघा ब्रिज हॉल्ट का उद्घाटन हुआ है। और जो विधायक हैं श्री संजीव कुमार चौरसिया हैं, संदीप चौरसिया हैं, माननीय विधायक हैं। उनके वजह से 25 नवंबर 2017 को हुआ है ये देख सकते हैं। अब यहाँ से हम आपको दिखाते हैं कि जो एलिवेटेड कॉरिडोर है वो, उसका ऊपर वाला पोर्शन, नीचे का पोर्शन साइड से तो मैंने काफ़ी दिखाया है। सन मेरे साथ है, सन का लाइटिंग मेरे साथ है। देख सकते हैं कि इधर जहाँ तक दिख रहा है हमको, गर्डर जो है रखा हुआ है, रख दिया गया है। अब उसके ऊपर काम चल रहा है, साइड को मास्क करने की कोशिश हो रही है, साइड को घेरा जा रहा है। देख सकते हैं उधर कुछ काम चल रहा है, आपको दिखाते हैं। पहले ये हॉल्ट नहीं था, दीघा हॉल्ट पहले नहीं था। अभी देखा कि राम कृपाल यादव जो राज्य मंत्री हैं उन्होंने उद्घाटन किया है। ज़रूरत था लेकिन इसे हॉल्ट का, क्योंकि उस पार से आने के बाद जो गाड़ी यहाँ नहीं रुकती थी और यहाँ पे रुकना काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी लोग जिनको गांधी मैदान जाना है, कुर्जी जाना है और दानापुर जाना है, उन लोगों को थोड़ी परेशानी होती थी, जिसकी वजह से ये ज़रूरी था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्थिति है, ये है एलिवेटेड कॉरिडोर का पार्ट, ऊपर काम हो रहा है सामने। और इधर ये दीघा की तरफ हम मूव कर रहे हैं, ये दीघा की तरफ मूव कर रहे हैं और इधर एम्स की तरफ। हम दूसरी वीडियो में आपको दिखाएंगे एम्स से लेकर के दीघा तक का पूरा रनिंग शॉट दिखाएंगे और जहाँ जहाँ पे काम चल रहा होगा वहाँ भी दिखाएंगे। और ये स्थिति है यहाँ पे, बच्चे अभी फ़िलहाल अपनी गाड़ी को लेकर के आ गए हैं। ट्रेन भी आवाज़ सुनाई पड़ रही है, ट्रेन भी आने वाली है और ट्रेन का भी हम आपको आने का दिखाते हैं। दिख रही है ट्रेन और ये
लोकल एरिया है इधर। ये कुर्जी की तरफ हम कैमरा मूव कर रहे हैं, एंटी सन है इसलिए ब्लैक आपको दिख रहा होगा पिक्चर। थोड़ा सा हम डाउन करेंगे तो पिक्चर साफ हो जाएगा। ये है तो यहाँ से आप मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सोनपुर और मतलब कि नॉर्थ बिहार में जाने के लिए ये एक रास्ता है, नया मार्ग है। पहले तो नॉर्थ बिहार जाने के लिए या तो मोकामा के आगे जो स्टेशन है वहाँ से मतलब बरौनी होकर के जाना पड़ता था, और या फिर इधर बिहार में और शायद वहीं से एंट्री होता था नॉर्थ बिहार में और उधर मुगल साय के पहले। ज़्यादा जानकारी नहीं हमको। देखिए ये ट्रेन पास कर रही है, शायद स्टॉपेज हो यहाँ पे। सहरसा दानापुर ट्रेन थी ये, तो ये स्थिति है अभी देख सकते हैं। ये दीघा ब्रिज पे अभी चढ़ेगी गाड़ी, हल्का कर्व हो जाती है राइट साइड में पर ट्रेन झुक जाती है टर्निंग पे। तो हम आपको लगातार अपडेट देते रहते हैं। यहाँ मैंने दो अपडेट दिया है, एक तो एम्स से और एम्स दीघा एलिवेटेड कॉरिडोर का अपडेट दिया है। गडर यहाँ पे चढ़ाया जा रहा है, कुछ पे चढ़ चुका है और जो पार्ट बचा हुआ है उस पे चढ़ाया जा रहा है। दूसरा ये कि दीघा ब्रिज हॉल्ट भी अब हो गया है। पटना आना है, गांधी मैदान आना है, जिनको जो जो नॉर्थ बिहार से आना चाहते हैं, मुजफ्फरपुर से, हाजीपुर से और सहरसा से या कहीं से भी, और उनको गांधी मैदान जाना है, कुर्जी जाना है, तो वो इस हॉल्ट पे रुक सकते हैं, उतर सकते हैं और यहाँ से वो जा सकते हैं। थोड़ा नीचे उतर करके उनको ऑटो मिल जाएगा या फिर ओला मंगा करके कर सकते हैं, कैब मंगा के कर सकते हैं। तो ये स्थिति है यहाँ पर। इसका उद्घाटन 25 नवंबर को हुआ था, कृपा रामकृपाल यादव जी ने किया था उद्घाटन। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि दीघा हॉल से कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है एलिवेटेड कॉरिडोर का। अब देख सकते हैं यहाँ से साफ दिख रहा है। एलिवेटर कॉरिडोर के बगल में एक रोड बन रहा है, तो उसका भी वहाँ पे ब्रिज का निर्माण हो रहा है जो सबसे आगे आप देख रहे हैं, जिसमें अपडेट कुछ दिन पहले मैंने दिया था। अब यहाँ पे कौन कौन ट्रेन आती है, कौन कौन ट्रेन कहाँ कहाँ जाती है, उसका छोटा सा वहाँ पे एक लिस्ट है, हम उसके बारे में भी बता देते हैं आपको ताकि आपको सुविधा हो कभी अगर पटना आना हुआ हो और जानकारी हो, जानकारी रहे तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा। दीघा हॉल्ट इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे कुर्जी मोड़ है, और कुर्जी मतलब ईस्ट की ओर बोल रहा हूँ, पूरब की ओर जो गांधी मैदान की तरफ रास्ता रहता है, तो कुर्जी मोड़ है और कुर्जी मोड़ के थोड़ा सा आगे कुर्जी हॉस्पिटल है, काफ़ी फेमस हॉस्पिटल है वो पटना का। तो वहाँ जाने के लिए भी दीघा हॉल्ट ही उतरना पड़ेगा। पैसेंजर गाड़ी तो यहाँ पे रुकती ही होगी, एक्सप्रेस रुकती है या नहीं वो देख करके, लिस्ट देख कर पता चल जाएगा। अगर यहाँ नहीं रुकती होगी तो पाटलिपुत्र स्टेशन आगे है, वहाँ रुकेगी। आपको बता दें कि यहाँ पे जो बुकिंग काउंटर है दीघा का, दीघा बुकिंग काउंटर है ये, और यहाँ पे जो सवारी गाड़ी किराया तालिका है वो इस तरह से है। ये आप देख सकते हैं कि दीघा ब्रिज हॉल से पटना जंक्शन 10 रुपया है, सोनपुर 15 रुपया, हाजीपुर जंक्शन 15 रुपया, मुजफ्फरपुर जंक्शन 25 रुपया, छपरा जंक्शन 20 रुपया, सिवान जंक्शन 35 रुपया। तो छपरा सिवान के लिए भी आपको गाड़ी है, वहाँ पे जो गाड़ियाँ चलती है जो रुकती है उसका लिस्ट है ये, आप देख सकते हैं। पटना पुरौनी मेमो पैसेंजर है, फिर पुरौनी पटना मेमो पैसेंजर है,
मुजफ्फरपुर पाटलिपुत्रा पैसेंजर है, पाटलिपुत्रा मुजफ्फरपुर पैसेंजर है, मुजफ्फरपुर पाटलिपुत्रा पैसेंजर है, पाटलिपुत्रा मुजफ्फरपुर पैसेंजर है, और बरौनी पाटलिपुत्रा पैसेंजर है, पाटलिपुत्रा गोरखपुर पैसेंजर है भाया छपरा, और गोरखपुर पाटलिपुत्रा पैसेंजर भाया छपरा, बरौनी पटना में पैसेंजर पटनपुर। तो ये ट्रेनें जो है यहाँ पर रुकती है, उसका बगल में टाइम भी दिया हुआ है, सुबह 8:55 से लेकर के रात के 8:46 तक यहाँ पे गाड़ियों का ठहराव है। तो एक अच्छा व्यवस्था है यहाँ पर, एक्सप्रेस ट्रेन रुकती है या नहीं हम पता करते हैं। एक्सप्रेस रुकती है पाटलिपुत्रा? हाँ, तो एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ पे नहीं रुकती है। जो भी पैसेंजर ट्रेन नॉर्थ बिहार से साउथ बिहार मतलब पटना की तरफ आती है, जो सोनपुर ब्रिज होकर आती है, वो यहाँ पे रुकती है। और आप यहाँ से मेरे दाहिने तरफ कुर्जी की तरफ जा सकते हैं, और बाएँ जो है दानापुर की तरफ जा सकते हैं, और इधर एलिवेटेड कॉरिडोर जिधर बन रहा है तो आप बेली रोड की तरफ जा सकते हैं। तो ये मेन पॉइंट है, नहीं था स्टेशन, इसका हमें भी खटक रहा था कि यहाँ पे एक स्टेशन होना चाहिए था, लेकिन जो विभाग है ईस्ट सेंट्रल रेलवे को लगा कि यहाँ पे स्टेशन होना चाहिए, तो उन्होंने यहाँ पे स्टेशन बनवाया है, ठहराव बनाया है, ये काफ़ी अच्छा है। तो हम फिर आपको किसी और वीडियो में किसी और अपडेट के साथ मिलेंगे। तब तक इंद्रसेन का प्यारा नमस्कार, जय भारत, जय भारत।